दोस्तों आपके लिए मैथ्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ईबुक आई है। इसमें क्या मिलेगा आपको, 2000 से भी ज़्यादा चुनिंदा प्रश्न जो कि आने की संभावना रखते हैं 100% वैसे क्वेश्चन मिल जाएंगे यहाँ पे। साथ ही में सभी महत्वपूर्ण प्रकार के मैथ्स मिल जाएंगे आपको, एलजेब्रा, अरिथमेटिक, सारे प्रकार के मैथ्स मिल जाएंगे, उसका समाधान भी मिलेगा यहाँ पे। साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, सारे चैप्टर का चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा इस पीडीएफ में, इस बुक में। और साथ ही साथ यहाँ पे 20 फ्री मॉक टेस्ट आपको मिलेगा ऑनलाइन, जिसकी बाजार में मार्केट की कीमत 150 रुपये से ज़्यादा है। यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा और सिर्फ और सिर्फ 35 रुपये मिलेगा। अगर आपको ये बुक खरीदना है तो नीचे इसका लिंक दे दिया गया है, आप अगर उसी लिंक से खरीदेंगे तो ही आपको इसको 35 रुपये में परचेज कर पाएंगे। तो जरूर खरीदें, क्योंकि कम समय में अगर आप चाहते हैं कि अच्छे से तैयारी कर लें और कुछ मैथ्स के क्वेश्चन कॉमन पड़ जाए, तो ये मैथ्स का बुक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बुक लेने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहाँ पर लिंक मिल गया, वहाँ पर आप लिंक पर क्लिक करिए और आपका आपको 35 रुपये में जरूर मिल जाएगा। पीडीएफ फॉर्मेट में आपको ये बुक मिलेगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है ये। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स को चैनल पे। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे लेवल का है, हाई लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक सारे क्वेश्चन में इंक्लूड किया गया है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए या बाकी सारे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो नीचे दिया हुआ व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप नंबर, इस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो मैथ्स का वीडियो बनाया जा रहा है, ये डीआरडीओ, बिहार एसआई मेन, एसएससी, एसएससी का सीएचएसएल और सीजीएल, ये इनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और बाकी सारे एग्जाम्स में इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर कर दीजिए, जितना हो सके लाइक और शेयर जरूर कर लीजिए। वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि पेन और पेपर लेकर जरूर बैठें, ताकि यहाँ पे जो शॉर्ट ट्रिक आपको बताया जाएगा और जो कैलकुलेशन का ट्रिक बताया जाएगा वो भी आप नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। तो टाइमिंग भी आप नोट कर लीजिए, क्लास का टाइमिंग कब कब होता है। क्लास का टाइमिंग होता है शाम को 4 बजे और रात को 9 बजे, ये क्लास का टाइमिंग है, जरूर नोट कर लीजिए। यहाँ से हम लोग बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए आज का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में करना है। क्या है क्वेश्चन, कोई संख्या है उसको 20% बढ़ा दिया जा रहा है, मतलब 20% बढ़ाने का मतलब क्या किया है, संख्या 5 था 6 कर दिया गया। अब ये कहाँ से आया, देखिए बेसिक जानना बहुत जरूरी है। 20% मतलब क्या होता है, 20/100, ठीक है, 100 में 20, यानी यहाँ पर कितना 20 एकम 20, 20 25, मतलब 5 अगर संख्या है तो 1 बढ़ जा रहा है, 1 बढ़ जाए यानी 6 हो जा रहा है, तो 5 था तो 6 हो जा रहा है। उसी तरह 25% घटा दिया जा रहा है, मतलब 5 से कितना हो जा रहा है, 5 से आपका 4 से कितना हो जा रहा है, 4 से हो जा रहा है 3। जैसे यहाँ पे 25% है तो 25/125, 1 बार में 4, ठीक है, तो 1/4 यानी 4 था 3 हो गया है। तो करना क्या है इसमें, देखिए यहाँ पे क्रॉस काट सकते हैं, 2 2 4 दो तीन छः, इसमें मल्टीप्लीकेशन होता है और इसमें मल्टीप्लीकेशन होता है, कितना हो गया 10 से क्या हो गया 9, 10 से हो गया 9, कितना घटा 1 घटा ना। अब यही घट के कितना हो जाए 24 कम हो जा रही है, यानी 1 यूनिट किसके बराबर, 24 के बराबर, 1 यूनिट 24 के बराबर है। तो मूल संख्या कितनी यहाँ पे 10 है, तो 24 × 10, तो 1 यूनिट बराबर 24, तो 10 यूनिट बराबर कितना हो जाए 240, यहाँ पे 240 इसका ये संख्या है, मूल संख्या कौन सी है 240 है। क्वेश्चन क्या पूछा, मूल संख्या के अंकों का योग, तो अंकों का योग मतलब 2 + 4 + 0 कितना जाएगा 6, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगर अंकों का गुणनफल बोलता तो कितना आ जाता 2 × 4 × 0, मतलब 0 आ जाता, क्लियर है। अगर अंकों का इकाई स्थान बोल देता तो भी 0 आंसर हो जाता, क्लियर है। इस तरह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, फटाफट लाइक जरूर कर दीजिए वीडियो को। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर कमेंट करिए। क्या है, दो संख्याओं का अनुपात 6:5 है, जब प्रथम संख्या में 25% की वृद्धि होती है तथा दूसरी संख्या में 25% की कमी की दर आती है, तो परिणामी संख्या का अनुपात क्या होगा। तो प्रथम संख्या कितनी है 6, 25% क्या वृद्धि हो रही है, मतलब 5/4 हो जाएगा, 25% मतलब क्या होता है 5/4 हो जाएगा, क्लियर है। जैसे अभी मैंने बताया 25% का मतलब क्या होता है 25/100, यानी 1/4, 1/4 यानी वृद्धि होती क्या है, 4 था तो 5, यानी 5/4 हो जाएगा। उसी तरह जो दूसरी संख्या है उसका क्या है, दूसरी संख्या आपका 5 और यहाँ पे 25% कम, यानी इसमें 3/4 हो जाएगा क्योंकि कम हो रहा है,
क्लियर है। तो इसका अनुपात निकालना हम लोग को क्या करेंगे, चार से चार कट जाएगा, तीन से दो बार कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कितना, टू इस टू वन, पाँच से पाँच कट जाएगा, टू इस टू वन इसका रेशियो, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। वीडियो पसंद आ रहा है, ट्रिक पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिए, लाइक करो, मजा आएगा पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी। चलिए क्वेश्चन नंबर तीन आपके सामने है। एक पुस्तक का अंकित मूल्य इतना रुपया था तो 15% की छूट दी जाती है, 15% की छूट दी जाती है, इसका मतलब क्या हुआ, 15% मतलब होता है 15/100, यानी 5 से 20 बार में, यानी 20 था तो छूट दे के 3 छूट दे रहा, 17 हो जाएगा, तो 20 था तो यहाँ पर 17 छूट हो जाएगा, क्लियर है। अच्छा उसके बाद बोला कि इस पुस्तक को इतने रुपये में बेचने के लिए कितने प्रतिशत अतिरिक्त छूट देनी चाहिए, तो कितना और छूट देगा, तो सपोज करिए x था, y छूट दिया, पता नहीं हमको और कितना दिया, और इतना रुपये अंकित मूल्य था, अंकित मूल्य इतना था, और डिस्काउंट देने में कितना हो जा रहा है, इस पुस्तक इतने रुपये में वो बेचना चाहता है, ठीक है। तो सिंपल सा हिसाब है, कैसे करेंगे इसको, यहाँ से देखिए कितने बार में कटेगा, ये 17 से काटते हैं इसको, तो कितने बार में जाएगा, 17 8 उसके बाद इधर बच जाएगा 1.4, क्लियर है इतना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, और 185 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 185 इंटू 2 करेंगे, उसके बाद यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसका और इसका होगा, यानी इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 185 में 1 से, और 81.4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 81.4 इंटू 2 कितना आ जाएगा, यह जाएगा 162.8। अब यहाँ पे देखिए 185 है, ये 162 है, तो कितना का यहाँ पे छूट दे रहा है, ये आपको निकालना पड़ेगा, तो कितना का छूट आ जाएगा, यहाँ पे देखिए माइनस करने पे 22.2 आ जाएगा, 22.2 आ जाएगा। चलिए ये डिस्काउंट दे रहा है, पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत छूट दिया, यानी लाभ मतलब छूट डिवाइडेड बाई सी पी, सी पी मतलब ये 185 और उसके बाद इसका परसेंट निकालने के लिए इतना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो राइट आंसर आ जाएगा 12%, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्लियर है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। जिसको भी प्रॉब्लम हो रही है, नहीं समझ में आ रही है, तो नीचे कमेंट जरूर करिए, सॉल्यूशन फुल मिलेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आपको रिप्लाई करना है। जितने लोग हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और लाइक कर दो यार, लाइक में कंजूसी नहीं करना है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक तो कर दो ना, बस एक सेकंड लगेगा आपको, हाथ बढ़ा के ऊपर लाइक करना है, और जितना हो सके अपने दोस्तों को बुलाओ, वीडियो दिखाओ, शेयर कराओ, मजा आएगा पढ़ने में एक साथ। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अच्छे से पहले पढ़ना है। क्या है क्वेश्चन, ए बी और सी एक काम को इतना इतने दिनों में करते हैं, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ए 20, बी का 30 और सी का है 60, तो एलसीएम ले लेंगे इसका, क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, और इसका एलसीएम 60 आएगा, ये क्या हो जाता है, टोटल वर्क हो जाता है, टोटल काम होता है बी, अच्छा ठीक है, बी कितने दिनों में काम खत्म करेगा यदि ए व सी प्रत्येक तीसरे दिन काम में उसकी सहायता करेंगे, प्रत्येक तीसरे दिन पे अल्टरनेट में 3 दिन पे काम कर रहा है ए और सी, मतलब बी भी रहेगा, ए भी रहेगा और सी रहेगा, और 2 दिन प्रत्येक तीसरे दिन पे, यानी 2 दिन अकेला कौन काम कर रहा है, बी काम कर रहा है, तो सबसे पहले इन लोगों को इफिशियंसी निकाल लेते हैं, क्षमता कौन करता है, तो ये इसकी क्षमता 3 है, इसकी क्षमता कितनी, 2 हो जाएगी, इसकी क्षमता 1 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए बी क्या करता है, 2 काम करता है और 2 दिन में करेगा, क्योंकि तीसरे दिन पे ए और सी उसको ज्वाइन कर रहे हैं, तो लगातार 2 दिन तक तो अकेला काम कर रहा है ना, तो बी का 2 दिन का काम, 2 दिन का काम कितना हो जाएगा, 2 × 2 दो क्षमता, 2 दिन तक था 4, मतलब बी का 2 डेज का काम कितना हो गया, 4 हो गया। अच्छा तीसरे दिन आएगा, यानी एक दिन क्या होगा, वो तीसरे दिन पे ए प्लस बी प्लस सी तीनों काम करेंगे, मतलब ए कितना करेगा, ए करेगा 3, बी करेगा 2 और सी करेगा कितना, 1, कितना हो गया, 3 × 2 = 6, 6 × 4 = 10, यानी ये 2 डेज का हो गया, ये 1 डेज का हो गया, क्लियर है। अगर टोटल को जोड़ देते तो कितना 10 काम हो गया, 10 काम हो जाएगा, कितने दिनों में, 3 दिनों में, 3 दिनों में 3 डेज में कितने काम हो गए, यहाँ पर टोटल 10 काम हो गए, कितने काम करने हैं, 60 काम करने हैं, तो यानी इसको 60 करना है तो इधर भी 6 से गुना करना पड़ेगा, मतलब 18 दिन, टोटल 18 डेज काम करना पड़ेगा, क्लियर है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस यहाँ पे समझना आपको कि बी जो है उसका 1 दिन का काम करने का क्षमता है, 2 काम करता है वो, तो 2 दिन काम करेगा, और तीसरे दिन में ए बी और सी तीनों आएंगे एक साथ, तो 2 दिन का काम 4 हो गया उसका, ठीक है। और तीसरा दिन जब आएगा 1 दिन में, वो क्या करेंगे, ए बी सी तीनों मिलकर काम करेंगे, तो टोटल 10 काम हो जाएगा, क्लियर है।
बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने। वीडियो पसंद आ रहा है लाइक जरूर करें, कंजूसी नहीं करें लाइक में, शेयर जरूर कर दीजिए वीडियो को। क्या है क्वेश्चन? एक वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है, यदि इतने में बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ याद करो। बस ट्रिक बताऊंगा और 2 सेकंड के अंदर ऐसे सवाल को आप कर सकते हैं। क्या हो जाएगा ट्रिक इसका? सबसे पहले 25% का लाभ होता है, 25% का लाभ होता है, यानी 4 में सीपी था तो कितना में बेचा? वो 5 में बेचा। क्लियर है? ये हो गया इसका एसपी। 25% मतलब बताया था मैंने 1/4, तो लाभ हुआ है तो 5 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 355 रुपये में बेचने 25% का लाभ होता है, तो ये जो है सीपी विक्रय मूल्य जो है ये क्या हो जाएगा? 355 इसी के बराबर है। क्लियर है कि नहीं? इतना बताइए तो 1 का कितना होगा? 355/5 मतलब कितना जाएगा? 71 आ जाएगा, 1 यूनिट का 71 आ जाएगा। और यही 71 क्या है यहाँ पे? ये सीपी है इसका, 1 को इतना में खरीदा था तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? तो कितना जाएगा? 284 ये इसका सीपी हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? चलिए तो ये क्या कर रहा है? 284 में खरीद रहा है, 284 में खरीद रहा है, और बेच कितना में रहा है? अब बेचेगा 440 पे, 440.2 पे। तो कितना लाभ कमा रहा है? तो ये लाभ कमा रहा है कितना? 156.2। सीपी कितना? 284 और इसका 100 यानी लाभ प्रतिशत निकालना है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ये 55%, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? बहुत ही सिंपल सा था, और एक बार मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। जिसको भी डाउट है जरूर कमेंट करें नीचे में, कैसे हो रहा है क्या हो रहा है जरूर समझे जल्दी से। सबसे पहले तो बेसिक का 25% का लाभ हो रहा, मतलब कितना हो जा रहा है? 4 से 5 हो जा रहा है। ये 5 क्या है? एसपी है, सेलिंग प्राइस है। यहाँ पे सेलिंग प्राइस बोला कि इतने रुपए में बेचने पे, मतलब ये 5 किसके बराबर हो जाएगा? 355 के बराबर हो जाएगा। तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा? एक का वैल्यू आ जाएगा आपके यहाँ पे 5 से डिवाइड करने पे 71 आ जाएगा एक यूनिट का। तो एक यूनिट को 71 में खरीदता है तो ये 4 को कितना में खरीदेगा? 71 × 4। तो राइट आंसर यहाँ पे कितना? 284 इसका सीपी हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। अब इसको बेचना कितने में चाहता है? 440 में। तो 440.2 में बेचना चाहता है तो इसका लाभ निकल जाएगा, लाभ कितना जाएगा? 156.2, और सीपी पे होता है तो 284 × 100 परसेंटेज निकल जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि जो जो लाइव है वीडियो पे लाइक जरूर कर दीजिए, फटाफट लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ट्रिक बताऊंगा, फटाफट आंसर आ जाएगा इसका। क्या करना है यहाँ पे? 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा सरल ब्याज का अंतर इतना प्रतिशत दिया हुआ है, इतना रुपया दिया हुआ है, तो धन ज्ञात करना है। तो सक्सेसिव रूल लगाएंगे, और यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकलता है? 8×8/100। सिंपल है। कितना जाएगा? यह जाएगा 16.64। ठीक है, 8×8=16 हो जाएगा यहाँ पे, और इसका 64/100 मतलब इतना आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए, ये हो गया CI कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। सरल ब्याज क्या करना है? सरल ब्याज के लिए SI के लिए क्या करेंगे? रेट इंटू टाइम। कितना जाएगा? 16 जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है, इन दोनों का डिफरेंस दिया, कितना जाएगा? इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 0.64। यही किसके बराबर है? 54.4 के बराबर है, ये दिया हुआ है। तो यहाँ से आपको रेट निकल जाएगा। इसमें जब आप सॉल्व करेंगे तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8500 में 0.64% का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। क्लियर है? बहुत ही सिंपल था। तो रूल ये है, सक्सेसिव का 2 वर्ष के लिए क्या करेंगे? उस रेट को 2 बार जोड़ेंगे, फिर जोड़ के 2 बार गुणा करके डिवाइडेड बाई 100। ये सक्सेसिव रूल था। चलिए आगे बढ़ेंगे फटाफट। बस वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। वीडियो तभी बनेगी जब आपका रिस्पॉन्स अच्छा आएगा, अपना प्यार दिखाइएगा वीडियो पे, तभी रिस्पॉन्स अच्छा समझ में आता है। ठीक है, वीडियो पे जितना हो सके उतना ज़्यादा कमेंट करिए, शेयर करते रहिए वीडियो को। ज़्यादा लोग रहते हैं तो पढ़ाने में मज़ा आता है, पढ़ने में मज़ा आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट इसका आंसर देना आपको नीचे कमेंट करके। PDF के लिए आप नीचे WhatsApp पे मैसेज कर सकते हैं, और टाइमिंग आपको नोट करना ही है, 9 बजे रात को और शाम को 4 बजे वीडियो जाती है। 4 बजे जो आती है वो मैथ्स और रीजनिंग के वीडियो जाते हैं, और 9 बजे जो है ये आपका GK GS
जनरल अवेयरनेस के वीडियोज आते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि वीडियो आपको मिलती रहे। तो क्या करना है यहाँ पे, एक बटा दो भाग, एक बटा तीन भाग ऐसे करके दिया हुआ है। तो ऐसे क्या करेंगे हम लोग ना, इन सब का एलसीएम ले लेंगे, एक बटा दो और एक बटा तीन का एलसीएम लेंगे। कितना आ जाएगा एलसीएम, आ जाएगा छः। मतलब टोटल भाग कितने छः हैं, छः का हाफ यानी तीन। इसको कितने परसेंट पे दिया है, इसको दिया 10% पे। और छः का एक बटा तीन यानी दो, इसको कितने पे दिया है, इसको दिया है आपका 9% पे। और शेष जो बच गया, तो तीन दो पाँच तो हो गया, टोटल छः था, तो और कितना बचा, एक बचा है, एक को कितने पे दिया है 12% पे। तो टोटल को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, आंसर आएगा ये 30 हो गया, ये 18 हो गया और ये 12 हो गया। तो 12 18 30 30 से 60, 60 क्या निकालना है, उसके द्वारा प्राप्त वार्षिक ब्याज दर, वार्षिक ब्याज दर जो हमको निकालना है 60 है डिवाइडेड बाई टोटल कितना है 6 है, इसको डिवाइड कर दीजिए कितना आएगा 10%। क्लियर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ेंगे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस एलसीएम ले लेना है, यही इसका ट्रिक था। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए ऐसा क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या बोला, 94 रुपये को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाए कि पहले का पांचवा भाग, फर्स्ट का एक बटा पाँच मतलब 1/5, और दूसरे का एक बटा आठ, दूसरे का एक बटा आठवां भाग का अनुपात 3:4 है, और दूसरे का एक बटा आठवां भाग जो है इन दोनों का अनुपात 3:4 है। मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, और ये 5:2 हो जाएगा, अनुपात 3:4 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 32 और इधर हो जाएगा आपका 15/32, इधर आ जाएगा, इधर में आ जाएगा 1/2, मतलब पहला बटा दूसरा, इसका मतलब क्या हुआ। और इन दोनों का अनुपातिक योग कितना होगा, 15 और 32 का अनुपातिक योग जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 47। किसका पूछा हुआ है, दूसरे भाग का, दूसरा भाग कितना है 32 है, दूसरा भाग कितना है, अच्छा अनुपातिक योग 47 है, यानी टोटल इसके बराबर है, 47 जो है 94 के बराबर है, तो एक यूनिट दो के बराबर हुआ, और 32 का पूछ रहा है, सेकेंड का पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। चलिए ये जो अनुपातिक योग है 15 + 32, यही किसके बराबर है, यही जो है 94 को, क्योंकि इसी को भाग दो भाग में बांटा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना भाई, और लाइक कर दो भाई, लाइक कर दो, मेरे को लाइक दिखता ही नहीं वीडियो पे, जितने लोग हैं कम से कम उतने तो लाइक होने चाहिए ना वीडियो पे। अगर हम लोग आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेहनत करिए आप। चलिए अगला क्वेश्चन देंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। चलिए आंसर कीजिए फटाफट फटाफट, कमेंट में एक्टिव रहना एकदम। सपोज करिए आपका एग्जाम चल रहा अभी, क्वेश्चन नंबर 9, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या है, कुछ पुरुष एक काम को 30 दिनों में खत्म करते हैं, तो टोटल काम कितना हो जाएगा 30, और सपोज करते हैं एक्स पुरुष थे, यदि पांच पुरुष और आ जाएं तो काम 10 दिन पहले खत्म हो जाता है, तो यानी अब कितने दिन में खत्म हो जाएगा 20 दिन में, और कितने पुरुष आ जाए 5, तो एक था तो और 5 ऐड कर दिए। क्लियर है, उसी काम को करना है, इसीलिए बराबर कर दिया गया। कितना आ जाएगा यहाँ पे 30x, इधर हो जाएगा 20x + 100, यहाँ पे आ जाएगा कितना x बराबर 10, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। पहले कितने थे, 10 लोग थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही एक रेलगाड़ी खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है, तो 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। क्या दिया हुआ है, स्पीड पहले निकाल लेंगे, स्पीड दिया है 36, और यहाँ पे ऑप्शन जो है सेकंड में दिया हुआ है, इसलिए इसको हम लोग को बनाना पड़ेगा सेकंड मीटर प्रति सेकंड में, तो ये मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। कितना जाएगा 18 × 10, यहाँ पे कितना जाएगा सेकंड जो है स्पीड जो है मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड आ गया। उसको जो 10 सेकंड में पार करती है, तो टोटल लेंथ, ट्रेन की लेंथ निकल जाएगी, यहाँ पे डिस्टेंस आपका स्पीड इनटू टाइम कितना 100 मीटर। अच्छा कितना पार कर, 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा, यानी टोटल लेंथ कितना हो गई, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म डिवाइडेड बाई कितना, डिवाइडेड बाई स्पीड। तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितना हो गया 100 प्लस यहाँ पे 110 डिवाइडेड बाई स्पीड कितना है, स्पीड दिया 10, यानी 210/10, यहाँ पे आ जाएगा 21।
21 सेकंड टाइम लगेगा उसको। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, बहुत ही सिंपल था। चलिए, बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन था ये और इंपॉर्टेंट भी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। फटाफट बनाना इसको, कमेंट में एक्टिव रहना एकदम, एग्जाम सामने आ गए हैं। चलिए इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में लास्ट वाला संख्या पकड़ते हैं। लास्ट वाला संख्या क्या, तृतीय संख्या मान लेते हैं, तृतीय संख्या एक है, एक है या एक्स भी मान सकते हैं आप। तो द्वितीय संख्या क्या है, तृतीय संख्या की दोगुनी है, यानी दो हो जाएगी। और द्वितीय संख्या की दोगुनी कौन है, प्रथम संख्या, मतलब इसका दोगुना यानी चार हो जाएगा। और इसका क्या औसत दिया हुआ, मतलब जोड़ दो, औसत डिवाइडेड बाय थ्री कर देंगे तो कितना जाएगा, चार दो छः एक सात, ठीक है, तो कितना जाएगा यहाँ पे, सात बटा में तीन। और यही औसत किसके बराबर, बयालीस के बराबर है। तो सात बराबर किसके, 42 × 3। तो एक का निकालना है क्योंकि सबसे छोटी संख्या पूछा था, छोटी संख्या एक था, तो एक का वैल्यू कितना जाएगा, 42 × 3 डिवाइडेड बाय 7, 7 × 42 = 36, 18। राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक आ जाएगा, सबसे छोटी संख्या 18 थी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आप एक्स मान के भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइक से रुकना नहीं चाहिए, मुझे लाइक बहुत कमी दिख रहा है। जितने लोग हैं लाइव जरूर लाइक कर दो। क्या है क्वेश्चन, ए और बी मिलकर एक व्यापार शुरू करते हैं, 9 महीने बाद बी व्यापार छोड़ देता है। देखिए इसका सिंपल सा फॉर्मूला एक ही मैं बताऊंगा कि इन्वेस्टमेंट जितना करते हैं उसको अगर हम लोग टाइम से समय से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो प्रॉफिट आता है। ठीक है, क्या आता है, प्रॉफिट आता है। तो इसी पे हम लोग को बनाना है। क्या दिया हुआ है, ए और बी मिलकर एक व्यापार, 9 महीने बाद बी व्यापार छोड़ देता है। 9 महीने बाद बी व्यापार छोड़, मतलब 9 महीने तक काम किया। तो यहाँ पे लेते हैं ए, यहाँ पे लेते हैं बी, बी का टाइमिंग कितना, 9, ठीक है। और लेकिन ए की पूंजी 1 महीने और रहती है, मतलब 10 महीने तक इसका रहता है, ये भी क्लियर हो गया। और लाभ का अनुपात दे दिया, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 1 इन्वेस्टमेंट 2 नहीं दिया हुआ है। अगर इसमें मल्टीप्लाई करते तो प्रॉफिट आता, प्रॉफिट दिया 5 × 6। क्लियर है, तो काट दो 5 × 2 और 3 × 3 = 3। ठीक है, तो ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ जाएगा 4, इसका आ जाएगा 3, मतलब 3 × 4, 3 × 4 ए और बी का। क्लियर है, उनकी पूंजी का अनुपात 3 × 4 आ जाएगा। क्लियर है, इजी था। चलिए बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे और फास्ट करेंगे क्योंकि कंपटीशन है, आप फास्ट नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चक्रवृद्धि ब्याज है, ऐसा क्वेश्चन अभी अभी कराया गया है। ट्राई करें, 2 सेकंड से 3 सेकंड आपको टाइम लगे, कैलकुलेशन जो करना है बस उसी में थोड़ा टाइम लगता है। क्या है क्वेश्चन, यदि एक धनराशि पर 2 वर्षों का इतना परसेंट वार्षिक दर का चक्रवृद्धि ब्याज इतना दिया हुआ, तो अभी मैंने बताया कितना, 12 + 12 + 12 × 12 बटा में 100, कितना जाएगा ये, अभी आया था, कितना आया था, यहाँ पे 12 + 12 = 24 हो जाएगा, यहाँ पे 25.44। और यही चक्रवृद्धि ब्याज किसके बराबर है, 25 44 के बराबर दिया है, 25 44 के बराबर दिया है। तो 25.44 दिया है 25 44 के बराबर, तो एक का निकालेंगे, फिर 100 का निकालेंगे, ठीक है। तो कितना जाएगा, बहुत ईजी है, यहाँ पे आ जाएगा 10,000, कितना जाएगा, 10,000 आ जाएगा। तो यानी कितना हो गया, 10,000 हो गया। अब इस पे क्या है, साधारण ब्याज कितना होगा, किस पे, 2% के रेट से, मतलब ये मूलधन हो गया। तो पी आर और टी दिया है 2 वर्ष, पी आर टी बाई 100, ये हो जाएगा साधारण ब्याज एस आई, ठीक है। कितना 0 से 0, यहाँ पे 2 × 20 और यहाँ पे कितना जाएगा, 2 × 4, तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 है यहाँ पे, सॉरी ये 12 हो जाएगा, 12%, 12% वार्षिक ब्याज की दर से बोला होता है, 12 × 24 हो जाएगा और यहाँ पे 2400। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, ये 12% उसी दर पे बोला, यानी 12% पे ही बोला हुआ है, 2 वर्षों का बोला, इसलिए यहाँ पे टाइम दो। क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ेंगे, लाइक नहीं रुकना चाहिए, लाइक और शेयर जरूर करते रहें वीडियो पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट इसको करना है। और क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना होगा, क्वेश्चन को अच्छे से समझना होगा। क्या दिया हुआ है, कोई वस्तु को इतने रुपये छूट देकर इतना रुपये में बेच देता है, तो 24 सही 1/2% इसका मतलब क्या हो गया,
2948 लिख सकते हैं, 49/200 यानी 200 पे 49 रुपया वो छूट दे दे रहा है, यानी कितना रुपया पे बेचेगा वो, तो सपोज करिए ये 200 रुपया उसका सीपी है और एसपी है उसका कितना, माइनस करना पड़ेगा 200 में से 49 को अगर माइनस कर देते हैं तो कितना बच जाएगा यहाँ पे, यहाँ बचेगा 151, ठीक है, तो उस पर बेचता है। अब क्या बोला जा रहा है, 10% की हानि उठाता है, 10% की हानि उठाता है, तो 10% की हानि यानी 10/100 यानी क्या है, 10 रुपया में उसका दाम है तो हानि उठाता है 1 रुपया का, यानी 9 रुपया में बेचेगा, यानी सीपी 10 है तो बेचेगा कितने में, 9 में बेचेगा। तो बोला कि उसने वस्तु को बिना छूट के बेचा होता तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होता, अगर छूट नहीं दिया होता, ये वाला छूट जो है जो 49 रुपये का जो डिस्काउंट वो नहीं देता, तो कितने में बेचता, यानी वो किस पे बेचता, 200 रुपये पे ही बेचता, क्लियर है कि नहीं। इसका मतलब है क्या कि ये जो सीपी है 10 जो है इसके बराबर हो जाएगा, पहले इसको अच्छे से समझना है, कॉन्सेप्ट पहले समझिए कहने का चाहता है, क्योंकि स्टूडेंट्स को यही समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो पहले इसको मैं अच्छे से इरेज करके आपको अच्छे से क्लियर करके समझाऊं, क्या है क्वेश्चन कि इतना छूट देने के बाद 1510 रुपये में बेच देता है, यानी 200 रुपये अगर दाम था उसका मैंने बताया तो 151 में बेच देगा। फिर बोल रहा कि 10% की हानि उठाता है, उसके बाद भी क्या करता है, 10% की हानि उठाता है, यानी सपोज कि 10 रुपये सीपी था तो 9 रुपये में बेचा होगा, 1 रुपये की हानि उठाती है, उठाता है। उसके बाद क्या बोलता है कि बिना छूट के बेचा होता यानी 200 रुपये पे ये 49 रुपया जो 49 का जो डिस्काउंट दे वो नहीं दिया होता तो किस पे बेचता वो, इसी पे बेचता, यानी मार्केट प्राइस पे बेचता वो, मार्केट प्राइस पे जितना लिखा होता उतना ही पे बेच देता। इसका मतलब क्या है, ये सीपी और ये सीपी दोनों इक्वल होगा, तो इसको इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें मल्टीप्लाई करना 9 से, इसको मल्टीप्लाई करना 151 से, और इसमें अगर 9 से किए तो इसमें भी 9 से करना पड़ेगा और इसमें भी 151 से करना पड़ेगा, क्लियर है, दोनों को इक्वल करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे सीपी यहाँ पे लिखता हूँ मैं, लिख देता हूँ यहाँ पे एसपी, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे सीपी कितना आ जाएगा, 1510, यहाँ पे सीपी कितना आ जाएगा 1510, लास्ट वाला ही लेके चलेंगे हम लोग 1510, और एसपी कितना आ जाएगा, एसपी आ जाएगा यहाँ पे 1800, एसपी कितना आ जाएगा 1800, कैसे है एसपी 1800, मतलब इस पे अगर वो बेच, इस पे बेचना चाहता वो, इस पे जो है बेचना चाहता है, यही उसका सेलिंग प्राइस वो बेचना चाहता है, क्योंकि मार्क्ड प्राइस पे अगर वो डिस्काउंट नहीं देता, यानी जो सीपी है जिस पे वो मार्क रखा हुआ उसी पे बेचता वो, इतना क्लियर है कि नहीं। तो ये 1800 पे बेच देता तो कितना यहाँ पे बचा, लाभ कितना हो गया 290 हुआ, और सीपी कितना था अभी 1510 पे निकाल रहे हैं हम लोग, रेट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लियर है। इसको जो सॉल्व करेंगे 0 से 0 और यहाँ पे 151 है, यहाँ पे 290, राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा 19.2, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, थोड़ा यहीं पे समझना था, सीपी एसपी मार्क प्राइस और सीपी यहाँ पे क्लियर से समझना था। आई होप आपको समझ में आएगा, नीचे समझ में आया तो नीचे जरूर कमेंट करिए, क्वेश्चन नंबर मैं जरूर आपको दोबारा इस पर सॉल्व करके बताने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और क्लास का टाइमिंग आप जरूर नोट कर लीजिए, डेली क्लासेस होती है 4 बजे और 9 बजे, 4 बजे मैथ्स और रीजनिंग क्लासेस होते हैं, 9 बजे GK GS और जनरल अफेयर क्लासेस होते हैं। अगर आपको PDF चाहिए तो नीचे दिए व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं हमारा व्हाट्सअप ग्रुप, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को जितना हो सके लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो पर जरूर कमेंट करें कि वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो यस जरूर कमेंट करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।